गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, फलनों के प्राचालिक रूपों के अवकलनज। सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है ए कॉस थीटा, तो स्टूडेंट्स हमें इसे पहले थीटा के रूप में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू बनेगा माइनस का a साइन थीटा। y इक्वल टू लिखा हुआ है स्टूडेंट देखिए a साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a cos थीटा। यदि स्टूडेंट्स हम लोग हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो लिखना पड़ेगा dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो देखिए क्या बनेगा ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस का ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन ये बनेगा माइनस का कॉट थीटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू लिखा हुआ है टू ए टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं देखिए डी एक्स अपॉन डी टी इक्व टू ट्वाइस ऑफ ए इंटू टी, डीवाई अपॉन डी टी इक्व टू बनेगा टू ए। हमें निकालना है डीवाई अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले वाई वाला टर्म लिख दीजिए टू ए और डिवाइडेड बाई एक्स वाला टर्म हो गया टू ए इंटू में टी, तो टू से टू कैंसिल हो गया, ए से ए भी कैंसिल, तो वन अपॉन कितना हो गया देखिए वन अपॉन टी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट उदाहरण है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा देखिए ए कॉन्स्टेंट थीटा का हो जाएगा वन और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा देखिए ए को ए रहने देते हैं वन का जीरो और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो सिंपल क्या बचेगा साइन थीटा। हमें निकालना क्या है देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या बनेगा सबसे पहले वाई वाला टर्म, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा का स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है टू साइन थीटा वन टू इंटू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा। तो वन प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए, तो वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा देखिए यहाँ से कॉस थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस में प्लस नहीं माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसे स्टूडेंट्स बदला जा सकता है वन ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और एक हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। इस वन को इधर ले जाओगे तो वन प्लस कॉस थीटा, तो वन प्लस कॉस थीटा की जगह पे लिखा जा सकता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस होता है तो कॉस और माइनस होता है तो साइन, टू से टू कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस भी चला गया, तो हो गया क्या ये रहा साइन थीटा बाई टू और इधर चला जाएगा तो बाई कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टैन थीटा बाई टू, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एक्स टू द पावर टू अपॉन थ्री वाई टू द पावर टू अपॉन थ्री इक्व टू 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 द पावर ए टू द पावर टू अपॉन थ्री, तो हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका सॉल्यूशन करते हैं देखिए कैसे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स टू बाई थ्री इंटू एक्स टू द पावर टू बाई थ्री माइनस वन प्लस का टू बाई थ्री इंटू वाई टू द पावर टू बाई थ्री माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना जीरो। इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स टू अपॉन थ्री एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन थ्री प्लस का टू अपॉन थ्री वाई टू द पावर माइनस का वन अपॉन थ्री इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना जीरो। टू अपॉन थ्री से टू अपॉन थ्री कैंसिल करते हैं, इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है वन अपॉन एक्स टू द पावर थ्री प्लस का वन अपॉन वाई टू द पावर थ्री इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना जीरो। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फाइनल आंसर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के साथ वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू, यानी फाइनल आंसर होगा माइनस के वाई अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे प्रश्नावली 5.6। ओके
निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचालित रूप में संबंधित हो, तब प्रचालों का विलोपन किए बिना यानी t को हटाए बिना या थीटा को हटाए बिना हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं प्रश्नावली 5.6 का। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए y इक्वल टू, सबसे पहले लिखा हुआ है x इक्वल टू 2a t² एंड y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 8t⁴। तो यहां से स्टूडेंट्स dx अपॉन dt कितना होगा, देखिए 4at dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा 4at³ t⁴। तो dy अपॉन dx जो आंसर होगा स्टूडेंट्स 4at⁴ अपॉन 4at, तो आंसर होगा स्टूडेंट्स t²। ओके, कितना होगा t²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। x इक्वल टू लिखा हुआ है a cos थीटा एंड y इक्वल टू लिखा हुआ है b cos थीटा। यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर ले dx अपॉन d थीटा, तो ये बनेगा माइनस का a sin थीटा। इसको अगर स्टूडेंट्स y को अगर किया जाए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा माइनस का b sin थीटा। आफ्टर डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx जो होगा स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल, तो b अपॉन कितना हो जाएगा a, b अपॉन कितना a। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। x इक्वल टू लिखा हुआ है sin t एंड y इक्वल टू लिखा हुआ है cos of 2t। डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में दोनों को, तो dx अपॉन dt बन जाएगा cos t एंड dy अपॉन dt कितना बन जाएगा, देखिए माइनस का sin of 2t इंटू में 2। यदि स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं तो dy अपॉन dx कितना नजर आएगा, देखिए यह बन जाएगा 2 sin 2t माइनस के साथ डिवाइड बाई cos t। इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 sin t इंटू cos t डिवाइड बाई कितना cos t, cos t से cos t कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया माइनस का 4 sin of t। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, देखिए x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू लिखा हुआ है 4 अपॉन t। यदि स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt कितना बन जाएगा, देखिए ये बनेगा 4 और ये बन जाएगा dy अपॉन dt इज नथिंग बट माइनस 4 अपॉन t²। यदि दोनों को डिवाइड करते हैं तो dy अपॉन dx कितना बनेगा, देखिए माइनस का 4 अपॉन t² डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो माइनस के 1 अपॉन कितना t², 1 अपॉन कितना t²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। x इक्वल टू लिखा हुआ है cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू लिखा हुआ है sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा बनेगा माइनस का sin थीटा माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 sin ऑफ 2 थीटा। dy अपॉन d थीटा कितना बनेगा, देखिए cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा। यदि दोनों को डिवाइड करते हैं तो dy अपॉन dx कितना बनेगा, देखिए cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin 2 थीटा माइनस का कितना sin थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। x इक्वल टू a इंटू में थीटा माइनस sin थीटा एंड y इक्वल टू लिखा हुआ है a इंटू में 1 प्लस cos थीटा। डिफरेंशिएट बोथ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा हो जाएगा a इंटू में 1 प्लस प्लस नहीं 1 माइनस cos थीटा, dy अपॉन d थीटा हो जाएगा कितना a माइनस का sin थीटा।
डिवाइड करते हैं दोनों को, तो डीवाई अपॉन डी थी एक्स कितना नजर आएगा देखिए, माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा का होगा टू साइन ऑफ थीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर बच गया माइनस का कॉट ऑफ थीटा बाई टू, कॉट ऑफ क्या चीज थीटा बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। एक्स इक्वल टू साइन ऑफ क्यूब टी, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस टू टी, एंड वाई इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी, देखिए क्या बनता है, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस टू टी रूट अंडर कॉस टू टी इंटू में थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, माइनस के साथ साइन क्यूब टी इंटू में टू रूट कॉस टू टी माइनस का साइन टू टी इंटू टू। इसे स्टूडेंट्स यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें अच्छे से तो क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा रूट अंडर कॉस टू टी इंटू में थ्री को बाहर लिखते हैं इंटू में कॉस टी इंटू में साइन स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस टू, टू से टू कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा साइन क्यूब टी इंटू में साइन टू टी अपॉन रूट अंडर कॉस ऑफ कितना टू टी अपॉन कॉस ऑफ टू टी। इसे स्टूडेंट्स और सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आप लोगे तो यहाँ चला जाएगा कॉस, तो इस कॉस टू टी से कॉस टू टी कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री कॉस टी इंटू में साइन स्क्वायर टी प्लस के साथ, अब इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करें तो साइन टू अपॉन कॉस ये बन जाएगा टेन, तो बनेगा साइन ऑफ थ्री टी इंटू में टेन ऑफ कितना टू टी। ये स्टूडेंट्स अभी निकल के आया है हमारा कितना डी एक्स अपॉन डी टी। अब स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी टी, तो वाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ था देखिए, वाई इक्वल टू लिखा हुआ था कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस टू टी, डिफ्रेंशिएशन करते हैं डिविजन मेथड से तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा देखिए, कॉस टू टी रूट अंडर कॉस टू टी इंटू थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस का साइन टी, माइनस का साइन कॉस क्यूब टी इंटू वन अपॉन रूट अंडर कॉस टू टी इंटू माइनस का साइन टू टी इंटू में टू, यहाँ पे भी होगा स्टूडेंट्स कितना टू, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बचेगा स्टूडेंट देखिए, ये बनेगा कॉस टू टी से कॉस टू टी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं तो ये बनेगा कॉस थ्री टी यानी कॉस क्यूब टी और ये साइन अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा टेन टू टी साइन अपॉन कॉस यानी टेन टू टी हो गया, माइनस के साथ ये हो जाएगा कॉस टू टी, कॉस टू टी से कॉस टू टी कैंसिल हो गया तो बनेगा थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा डी वाई अपॉन डी टी, यदि स्टूडेंट्स दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स तैयार होगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब टी इंटू में टेन टू टी माइनस का थ्री साइन टी इंटू में कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी का मान पुट कर लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान है थ्री कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी, थ्री कॉस टी इंटू
साइन स्क्वायर टी माइनस के साथ प्लस के साथ साइन क्यू टी इंटू टेन टू टी प्लस के साथ साइन क्यूब टी इंटू टेन टू टी कितना है देखे टेन टू टी। ओके ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ टेन ऑफ टी बाई टू एंड वाई इक्वल टू लिखा हुआ है ए साइन टी। डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो देखिए क्या बनता है, ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए। सबसे पहले कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन टी प्लस लॉग का करेंगे तो वन अपॉन टेन ऑफ टी बाई टू और टेन का करेंगे तो सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू टी बाई टू का करेंगे तो वन अपॉन कितना टू। डी वाई अपॉन डी टी जो होगा वह हो जाएगा ए कॉस टी। डिविजन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स एलसीएम वगैरह लेने के बाद ए कॉस टी, देखिए एलसीएम वगैरह ले लेते हैं एक साथ तो ये हो जाएगा सबसे पहले साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर टी बाई टू माइनस के साथ टू इंटू साइन टी इंटू टेन ऑफ टी बाई टू। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है देखिए, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा एंड वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। हम लोग स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू बन जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा बन जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे डिवाइड करेंगे बोथ द फंक्शन को तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा स्टूडेंट देखिए सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो बी सेक थीटा डिवाइडेड बाई ए टेन थीटा। चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो बी अपॉन ए साइन थीटा, साइन थीटा को चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो तो बी बाई ए कॉसेक थीटा। स्टूडेंट्स इसका रहा फाइनल आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर नाइन का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस का थीटा इंटू साइन थीटा और वाई इक्वल टू दिया हुआ है कितना ए इंटू साइन थीटा माइनस का थीटा इंटू कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट बोथ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बनेगा देखिए ए इंटू में माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा का हो जाएगा वन, तो सबसे पहले साइन थीटा ऐसे रहने दीजिए प्लस के साथ थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल तो सिंपली बचेगा ये कितना देखिए ये बच जाएगा ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी थीटा देखते कितना आता है, ये बनेगा ए साइन थीटा का कितना होगा कॉस थीटा माइनस के साथ कॉस थीटा माइनस 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 हो जाएगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से स्टूडेंट्स कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ये बनेगा ए थीटा इंटू साइन थीटा। यदि स्टूडेंट्स दोनों ही डिफ्रेंशिएशन को डिवाइड कर ले तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो नजर आएगा स्टूडेंट देखिए ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो गया साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा टैन थीटा। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर टैन थीटा। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि एक्स इक्वल टू कितना हो रूट के अंदर ए साइन इनवर्स टी एंड वाई इक्वल टू कितना हो देखिए रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी एंड वाई स्क्वायर हो जाएगा कितना देखिए ए
टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी। तो देखिए क्या बनेगा, 2x इक्वल्स टू हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा a टू द पावर x का हो जाएगा a टू द पावर x इंटू में लॉग ऑफ टू एक्स इंटू यहां पे आ जाएगा dx अपॉन dt। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ साइन इनवर्स t। अब साइन इनवर्स t क्या करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए फाइनल जो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा dx अपॉन dt वो हो जाएगा 1 अपॉन 2x। ये सब तो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। देखिए x के जगह x का मान पुट कर लेते हैं तो ये बनेगा रूट अंडर, चलो पहले x ही रहने देते हैं, यहां से जब लिखेंगे तो बनेगा x के जगह x का मान पुट कर लेते हैं तो रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t, और यहां से है a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू में log ऑफ साइन इनवर्स t, और ये आ जाएगा नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखिए ये रूट से रूट ऊपर चला जाएगा तो बनेगा रूट अंडर a इंटू साइन इनवर्स t इंटू में log ऑफ साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट सिमिलरली लिखा जा सकता है, सिमिलरली dy अपॉन dt जो नजर आएगा वो हो जाएगा कितना, देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर, बट यहाँ पर सिर्फ माइनस आने वाला, माइनस रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t इंटू में log ऑफ cos इनवर्स t। तो जो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर होगा वो निकल के आएगा dy अपॉन dx से। देखिए कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड तो नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ये अपॉन ये रूट के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो पहले ये अब आइए तो कॉस से हो जाएगा डिवाइड है तो माइनस के साथ चला जाएगा, और ये रूट में है तो देखिए कैसे आ जाएगा। सबसे पहले तो माइनस लिख लेते हैं, ये पूरा रूट के अंदर आ जाएगा रूट अंडर ये जगह ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी माइनस का साइन इनवर्स टी इंटू में बन जाएगा लॉग ऑफ ये बटे ये। तो ये बटे ये कहने का मतलब लॉग ऑफ कॉस इनवर्स टी अपॉन साइन इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स टी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.6 में प्रचलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है। ओके स्टूडेंट्स, आप सब इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और एक एक सवाल को कई बार दोहराए, तब जाके स्टूडेंट्स आप इसका पूर्ण बेनिफिट उठा पाएंगे। ओके, थैंक यू।